फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6B में क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर कर लिया एक्सरसाइज 6B को हमने। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा। इसको भी आपको क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशियंट मेथड से ही सॉल्व करना है। यहाँ पर गिवन क्या है कि इफ़ एक्स प्लस वाई, 2x + y इक्वल्स टू 23 एंड 4x - y इक्वल्स टू 19, देन फाइंड। आपको फाइंड करना है किसको, देन फाइंड x - 3y एंड 5y - 2x, ये फाइंड करना है आपको। तो ये सिंपली हम फाइंड कर लेंगे कैसे, पहले हम यहाँ दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ पर ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्स या वाई इसको सोल्व करना है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर वाई ऑलरेडी हमारा सेम है, यहाँ पर भी 1y है, ये भी 1y है, और एक के साथ प्लस साइन है, एक के साथ माइनस साइन है। तो जब कभी भी अपोजिट साइन होते हैं तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें एक प्लस में चाहिए, एक माइनस में चाहिए, क्योंकि हमें इसे कैंसिल करना होता है और ये कैंसिल हो रहे हैं हमारे। तो इसको अगर हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, जिससे हमारा ये वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस प्लस ये प्लस हो जाएंगे। तो ये हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन करेंगे हम ऐड। तो सॉल्यूशन में हम करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करते हैं तो 2x + y इक्वल्स टू 23 और क्या मिलता है, 4x - y इक्वल्स टू 19। हम यहाँ पर इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 2, 9 और 3 12, 2, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 42 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6 कितना होता है 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 42 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप किसी भी इक्वेशन से, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 2x + 7 + y = 23। y 23, 2 7 जा 14 कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, यहाँ पर मिलेगी y की वैल्यू हमें 9, ये 9 मिल जाएगी हमें y की वैल्यू। ये x और y की वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्या, x - 3y। तो नाउ अब हम फाइंड करते हैं x - 3y। x - 3y कितना हो जाएगा, x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे 7 और y के प्लेस पर कितना पुट करेंगे 9। तो x - 7 हमारा, x - 3y कितना हो जाएगा हमारा 7 - 3 9 जा कितना होता है 27। तो ये हो जाएगा हमारा -20, ये -20 आ गया हमारा। तो ये तो हो गई हमारी किसकी वैल्यू, x - 3y की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं 5y - 2x की वैल्यू को। तो 5y - 2x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ऑल्सो 5y - 2x इक्वल्स टू क्या होगा, 5y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू 9 पुट करेंगे, -2x की वैल्यू 7। यहाँ पर कर रहे हैं तो 5 9 जा 45 हो रहा है, 5 9 जा 45 और -2 7 जा 14 करते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 1 और यहाँ पर 3, तो ये मिल जाएगा आपको 31। तो ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारे क्या, किसकी वैल्यू हो गई हमारी 5y - 2x की वैल्यू हो गई ये। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको ये 2 इक्वेशंस दिए हैं, आपको फाइंड करना है 4x + 6y को और 8y - x को। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड और फिर आप वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर 4x + 6y की और 8y - x की। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है 10y = 7x - 4। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगा, 7x इधर आएगा तो माइनस का 7x + 10y = -4। यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो, तो ये 7x - 10y
इक्वल्स टू माइनस फोर, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, तो सेवन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल्स टू फोर। जब कभी भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। देखो इन दोनों में से हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया है। ओके, और यहाँ पर हमने माइनस साइन से माइनस साइन को कैंसिल किया है तो ये इक्वल्स टू फोर आ गई इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। अब यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन, ट्वेल्व एक्स प्लस एटीन वाई इक्वल्स टू वन, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई हमारी। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर एक्स प्लस सिक्स वाई एंड एट वाई माइनस एक्स, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड फोर एक्स प्लस सिक्स वाई, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई को फाइंड करना है आपको एंड एट वाई माइनस एक्स को फाइंड करना है। तो अब सॉल्यूशन करेंगे इसमें, तो सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, दोनों में एक्स या वाई कोफिशियंट सेम है, नहीं है सेम। तो अब आपको सेम करने हैं यहाँ पर, तो सेम करने के लिए क्या करोगे, देखो जैसे अगर आप एक्स को सेम बनाना चाह रहे हो तो पहले हम 12 और 7 का एलसीएम लेंगे और 12 7 का एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर सेम नहीं है। तो 12 7 जा कितने होते हैं 84 होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली 12 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 7 को मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 12, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84 एक्स माइनस 12 10 जा कितना हो जाएगा 120 वाई इक्वल्स टू 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, 12 4 जा 48 और ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो गई है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन सेकंड बाय सेकंड बाय 7, तो 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को, मल्टीप्लाई इक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड बाय 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 12 जा कितने होते हैं 84, 84 एक्स हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 18 7 जा अगर हम करते हैं तो 18 7 जा कितने होंगे 6 5 126 वाई इक्वल्स टू 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये 4। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, दोनों को कैंसिल करना है तो दोनों के पास सेम साइन है, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, तो जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रॉम थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थर्ड वाली इक्वेशन को हम ऊपर रखेंगे 84x माइनस 120y इक्वल्स टू 48, यहाँ पर ये हो गया हमारा और ये हो जाएगा हमारा 84x माइनस प्लस 126y इक्वल्स टू 7, यहाँ पर करेंगे तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का आ जाएगा 642y वो भी माइनस में, और यहाँ पर ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये 41 आएगा, यहाँ पर अब y को लेके आएंगे इधर तो ये 41 डिवाइड बाय माइनस 246 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम्स में हो रहा है, 6 टाइम्स में कैंसिल हो रहा था, माइनस 1/6। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन नीचे होता है या ऊपर होता है, उसको कॉमन माना जाता है दोनों के लिए, तो ये माइनस हो गया 1/6, तो माइनस 1/6 आंसर आ गया वाई का। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन, इजी इक्वेशन क्या है इसमें हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें गिवन किया है कितना 7x माइनस 10y, y के प्लेस पर 1/6 वो भी माइनस में,
और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर इसको करेंगे कैंसिल करेंगे, 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा और 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 4 - 5/3। तो ये 7x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 - 5 7/3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7 इधर डिवाइड में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गई 1/3। एक्स की वैल्यू 1/3 मिल गई है। अब हम फाइंड कर सकते हैं जो हमें फाइंड करनी थी वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड करनी थी आपको क्या, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी 4x + 6y को। तो 4x + 6y को फाइंड करते हैं, 4x + 6y को देखते हैं क्या आता है यहाँ पर आंसर हमारा। तो 4x एक्स के प्लेस पर 1/3 प्लस 6y, वाई के प्लेस पर -1/6। 6 से 6 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 4/3 -1, एलसीएम लेंगे यहाँ 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 - 3/3 और ये हो जाएगा 1/3। तो ये आ गई वैल्यू हमारी 4x + 6y की वैल्यू। अब अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर 8y - 3 की वैल्यू को, क्योंकि 8y - 3y फाइंड करना है हमें, तो 8y - 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8y के प्लेस पर -1/6, एक्स के प्लेस पर, यहाँ पर एक्स है ही नहीं, वो एक्स है यहाँ पर, सॉरी ये एक्स है, 3 नहीं है, ये एक्स है, और एक्स के प्लेस पर रखेंगे हम 1/3, एक्स के प्लेस पर 1/3। कैंसिल कर लेते हैं, अगर हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा -4/3 और -1/3। यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको, एलसीएम दोनों का 3 रहेगा और ये -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5/3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए हैं। ओके, यहाँ पर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे यहाँ पर, 13 हमारे पास है, इसमें आपको ये इस टाइप से इक्वेशंस दिए हैं, इनको सॉल्व करना है आपको और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये दिया है, y + 7/5 = 2y। तो यहाँ पर है 2y - x / 4 + 3x - 5। अब इसको करना है आपको, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, y + 7/5 और यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे तो 2y - x और यहाँ पर ये 4 3x - 5। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम और 5 को इधर, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y + 7 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2y - x + 4 3 ज़ा 12x - 4 5 ज़ा 20। अब करते हैं इसको, तो ये 4y + 4 7 ज़ा 28। अब इसको करते हैं तो 2y और ये हमारे पास कितना है, 12x और ये हो जाएगा हमारे पास -11x और -20। ये हो जाएगा, अगर अब ये हमारे पास मिलता है तो अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4y + 28, 5 2 ज़ा 10y + 11 से करेंगे 55 - 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 100। अब y वाली वैल्यूज एक साथ और x वाली वैल्यू एक साथ कर लेंगे, तो इसमें हम अगर हम करते हैं यहाँ पर तो कितना मिलता है हमें, इसको इधर लेके आते हैं हम और 55 को इधर, ये हो जाएगा 55x और माइनस में +4y और माइनस में 10y। 28 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 100 ऑलरेडी है यहाँ पर, -28 और आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो -55x और ये -6y इक्वल्स टू -128। कॉमन आ रहा है कुछ, कॉमन नहीं आ रहा है, तो
कॉमन नहीं लेंगे हम, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस साइन कॉमन ले सकते हो। तो ये 55x प्लस 6y इक्वल्स टू 128, माइनस साइन कॉमन लिया है हमने, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये 55x प्लस 6y इक्वल्स टू 128 मिलेगी इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं हम, सेकंड हमारी क्या सॉल्व होगी अगर हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड में हमें दिया है क्या, 7x 7 माइनस 5x, 7 माइनस 5x डिवाइड बाय 2 प्लस 3 माइनस 4y डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 5y माइनस 18, ये गिवन किया है हमें। ये अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही एलसीएम होगा। तो यहाँ पर 2 6 को 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 7 माइनस 5x प्लस यहाँ पर 6 6 को 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर ये 3 माइनस 4y एज इट इज़ रहेगा, और ये यहाँ पर ये 5y माइनस 18, ये 6 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 3 7 जा 21 माइनस 3 5 जा 15x प्लस 3 माइनस 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 5y माइनस 18। अब यहाँ पर करेंगे हम तो 3 और माइनस 21 और 3 ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये 15x और ये माइनस 4y, ये 15x और ये माइनस 4y और ये प्लस 24 इक्वल्स टू करेंगे तो 6 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30y हो जाएगा, और यहाँ पर 18 6 से कितने होते हैं, 18 6 से होते हैं हमारे 108, तो 108 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30y को इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस 15x माइनस 4y और माइनस का 30y हो जाएगा, ये माइनस का 30y हो जाएगा, और ये 24 इधर आकर माइनस में 24। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15x माइनस 34y इक्वल्स टू माइनस 132, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 132, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15x प्लस 34y इक्वल्स टू 132, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी आपकी। अब देखो x और y को अगर हम देखते हैं तो दोनों में सेम बनाना है आपको, या तो आप x को सेम बना सकते हो या फिर y को, लेकिन दोनों में से किसी को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखें, अगर हम x को सेम बनाएंगे तो x के यहाँ पर कोफिशियंट 55 और यहाँ पर कोफिशियंट 15 है, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम देखें यहाँ पर, तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये 55 है, ये 15 है, इसके फैक्टर हैं 11 इंटू 5, इसका फैक्टर है 3 इंटू 5, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को 1 टाइम से काउंट करेंगे, 11 इंटू 3 इंटू 5 कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 11 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे एलसीएम आ जाएगा, ये कितना आ रहा है 15, और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा, तो 165 एलसीएम आएगा। तो आप क्या कर लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे किसकी, अगर 55 से इसको डिवाइड करते हो तो कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, ये 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो 50 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 165x प्लस ये रहा हमारा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 3 जा 18 वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 8 जा 24 2 कैरी 3 2 जा 6 और 8 और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पर हम करेंगे किसको, इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं इसको हम, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर किसमें, सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि 165 आ जाए, तो 15 165 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 11 टाइम्स में, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर किसमें, सेकंड में, मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 11, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम, तो 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 165x आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 34 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 4 7, जितना भी आता है 7 उसके मिडिल में रख लेते हैं, 3 7 4 हो जाएगा ये y एज इट इज़। इसको अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल है, या तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 132 और 132 ऐसे रख लो आप सिंपली, तो ये आ जाएगा इसका 14 1452 1452। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165x प्लस 374y इक्वल्स टू 1452, डिवाइड में कर देंगे 165x प्लस 18y इक्वल्स टू 384, डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस और ये यहाँ माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 14 में से 8 6 6 में से 1 5 और ये 3 एज इट इज़, तो ये आ गया हमारा 356y ये आ गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 में से 4 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 14 में से 8 6 और 13 में से 3 0 और ये 1, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1068 और डिवाइड बाय 356। कैंसिल करके देखो, इसको कैंसिल हो रहा है, देखो 1 टाइम्स में करोगे तो 6 रहेगा, 2 टाइम्स में करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, 3 टाइम्स में करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आ रही है, तो देखते हैं क्या है, 3 से पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 3 6 18 8 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16 का 6 1 कैरी, 3 5 यस, तो ये कैंसिल हो रहा है आपका 3 टाइम्स में, तो वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 3 मिल गई आपको। अब आप किसी भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अगर हम इक्वेशन नंबर किसको यूज़ करते हैं, फर्स्ट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55x प्लस 6 और वाई की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 128, ये 55x 6 3 18 इक्वल्स टू 128, यहाँ 55x इक्वल्स टू 128 माइनस 18 55x इक्वल्स टू 011, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 और 55, देखो 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू 2। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी आपको दिया है, इसी टाइप से है वो, तो उसको भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है, इसको देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट में 4x इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 8, तो ये जो वैल्यू मिल रही है आपको ये अलग है, यहाँ पर माइनस साइन बाहर है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसको सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे होगा ये, तो या तो आप इसके साथ एलसीएम ले सकते हो, या फिर इस पूरी वैल्यू को उठाकर इधर लेके आ जाओ एक्स के साथ, क्योंकि ये एक्स वाई वाली वैल्यू है, एक्स वाई वाली वैल्यू एक साथ हो जाएंगी, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 17, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 32x प्लस 8 ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये ऐसे रहेगा सेम एज इट इज़, ये 17 हो जाएगा। अब 32 और ये 30 और 1, 33x हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 8 से कितने होते हैं 6 5 और ये 136 हो गया, 136 हो गई, इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास 2y प्लस x इक्वल्स टू 2 प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 3, इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसको वैल्यू को इधर लेके आते हैं, 2y प्लस x के साथ इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी माइनस में 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 2 रह जाएगा,
ये 2y प्लस एक्स, एलसीएम ले रहे हैं हम 3, तो ये एलसीएम इधर आकर 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5y प्लस 2 रहेगा इक्वल्स टू 2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जस्ट 6y प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 2, ये 3 टू जा 6 हो जाएगा। अब 6y और ये 5y हो जाएगा 1y और ये 3x, तो ये 3x और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 1y और माइनस 2, ये जो माइनस 2 है आपका ये इधर आकर प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, तो ये इसको 8 बना देगा। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो दोनों में इक्वेशन में वाई सेम है, तो वाई को कैंसिल कर लेते हैं और एडिंग करेंगे। इस बार हम इक्वेशन को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के पास अपोजिट साइन है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अपोजिट साइन है तो दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे, और जब हम ऐड करते हैं तब हमारा कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो हम 33x माइनस वाई इक्वल्स टू 136 और यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो साइन चेंज नहीं होता। ये हम पहले बात कर चुके हैं इस पर, क्यों नहीं होता है क्योंकि अगर आप इन दो वैल्यूज़ को प्लस करते हो, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर इससे प्लस करते हो, अगर हम इसे इस टाइप से लिखें यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 136 में से आपको माइनस कर प्लस करना है किसको, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 को, तो अगर हम प्लस साइन को अंदर एंटर करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हम माइनस साइन को अंदर एंटर करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और 6 14 1 4 और 1, तो ये यहाँ पर 144 और ये 36, ये इसको कैंसिल कर रहा है कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो एक्स की वैल्यू 4 हो गई है। अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से आप क्या कर सकते हो, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो सेकंड वाली इक्वेशन हमारी सिंपली इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। इसमें मतलब आपके वेरिएबल्स क्या है, हमारे स्मॉल वेरिएबल्स यूज़ हुए, तो इसलिए हम इसको इसके प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू की जाएगी 8 माइनस 12 और वाई की वैल्यू मिलेगी हमें क्या, माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू माइनस 4, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें कुछ करना ही नहीं है, सारी वैल्यूज इसने ऑलरेडी दी है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड m इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू m। तो x के प्लेस पर x की वैल्यू, y के प्लेस पर y की वैल्यू इक्वल्स टू m। ऐसा क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है आपको, दो इक्वेशंस दे सकता है, उसमें से पहले आपको क्या बोलेगा कि आपके पास टू इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसकी हेल्प से आपको एक की एक्सप्रेशन दिया है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जैसे यहाँ पर x और y की वैल्यू आ गई है, फिर यहाँ पर पुट कर देना, m की वैल्यू फाइंड हो गई। लेकिन इसने तो डायरेक्टली हमें m की वैल्यू के लिए यहाँ पर ये वैल्यूज दी हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, m की वैल्यू 7 हो जाएगी। इक्वेशन क्वेश्चन 15 को अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 10% of x प्लस 20% of y इक्वल्स टू 24 एंड इक्वेशन दी है आपको। देखो 10% का मीन्स क्या है, 10% हटाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाय 100 लगेगा, इनटू x हो जाएगा, प्लस 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा और इनटू y हो जाएगा इक्वल्स टू 24। ये हो जाता है परसेंटेज हटाते हैं, तो 10% ऑफ x ये करेंगे हम फाइंड। एलसीएम लेंगे या फिर जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं हम, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2y डिवाइड बाय 10 आएगा और इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल्स टू 240 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब आपको सेकेंड इक्वेशन दी है हमें क्या, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 दी है। अब इसमें देखो x सेम है या y सेम है, कुछ भी सेम नहीं है,
तो यहाँ पर आप y को सेम बना लो या फिर x को, तो सिंपली हम इसमें y को सेम बनाते हैं। तो y को सेम बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर किसको, सेकंड को, किससे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाय टू, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू थ्री जा सिक्स एक्स हो जाएगा और टू वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी आपकी। इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को अगर हम देखें तो इनमें अपोजिट साइन है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 240 और सिक्स एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू 40। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा 280। x से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 4 28 डिवाइड हो रहा है, ये कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। x की वैल्यू 40 आ जाएगी हमारी। y की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं हम, सिंपल इक्वेशन है हमारी, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में आपको दिया है 3x, x के प्लेस पर 40 रखेंगे माइनस y इक्वल्स टू 20। तो ये हो गया हमारा 3 4 12, ये कितना हो जाएगा 120 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 धराकर माइनस का 120 हो जाएगा और ये प्लस का 20 रहेगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा। अब वाई माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे तो हमारा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एम एक्स माइनस एन वाई इज 3, कि वैल्यू यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू हमारी 3 होगी अगर एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है इफ एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल्स टू 3 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 5 एन वाई इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 5 लेंगे और y इज इक्वल्स टू 6 लेंगे और इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5m माइनस 6n इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी हमारी। अब ऑल्सो कह रहा है ये इफ ऑल्सो एम एक्स माइनस एन वाई इज, ये कह रहा है कि एंड इट वैल्यू इज 8, इसकी वैल्यू 8 होगी इफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 एंड वाई इज इक्वल्स टू 5। एक्स इज इक्वल्स टू 6 ले लेंगे तो 6m हो जाएगा और वाई इक्वल्स टू फाइव ले लेंगे तो 5n हो जाएगा इक्वल्स टू 8। तो इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, एम और एन की वैल्यू फाइंड करने लिए सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन एम और एन को सेम बनाने के लिए देखो, अगर हम एम को सेम बनाएं तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, तो 6 को इसमें मल्टीप्लाई करने का होगा, 5 को इसमें। तो ऐसा हम कब करते हैं कि 6 को इसमें मल्टीप्लाई 5 को, वैसे तो आप सभी इक्वेशन में ऐसा कर सकते हो, लेकिन हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीस्ट वैल्यू होती है, एलसीएम लीस्ट वैल्यू होती है, लेकिन आप ऐसे कब मल्टीप्लाई करते हो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ रहा है। कब आता है ऐसा, ऐसा कब आता है कि जब इसका फैक्टर इसमें ना आए और इसका कोई भी फैक्टर इसमें ना आए, तब आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें। कैसे, 3 का फैक्टर क्या होंगे, 3 और 3 होंगे, 5 के फैक्टर सिर्फ 5 होगा, 5 × 1 कह सकते हो बस। तो इसका फैक्टर इसमें नहीं है, इसका फैक्टर कोई इसमें कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ रहा है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड सेकंड बाय, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें क्या होगा, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट 6 अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 5 30 एम माइनस 6 6 36 एन इक्वल्स टू 6 3 18।
ये हो जाएगा। फिर इसको अगर हम करेंगे 5 से तो 5 6 जा 30 एम माइनस 5 5 जा 25 एन और 5 8 जा 40 ये हो जाएगा। करेंगे इसको माइनस तो कितना आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस प्लस, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 11, वो भी माइनस में 11 एन, माइनस में 11 एन आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर लेंगे, 18 माइनस करेंगे 40 से तो कितना बचेगा, ये बचेगा 22, वो भी माइनस में 22। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, एन की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 11, एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, तो एन की वैल्यू 2 आ गई है। अब आप किसी भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से आप क्या फाइंड कर सकते हो, एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो 5m फर्स्ट इक्वेशन में दिया है हमें, 6 एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 और इक्वल्स टू 3 ये दिया है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 5m माइनस 6n इक्वल्स टू 3, तो 5m माइनस 6n, n के प्लेस पर हमने 2 पुट किया है। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना मिलेगा हमें, 5m ये माइनस का 12 इक्वल्स टू 3, 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 प्लस 12, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिवाइड बाय 5 मीन्स 3, तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू और ये आ गई हमारी n की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन किया है कुछ इस टाइप से है, ये है हमारे पास 11 एक्स माइनस 5 प्लस 10 वाई माइनस 2 प्लस 54 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 7 टू एक्स माइनस 1 प्लस 9 3 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 25 ये है हमारे पास। तो अब इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो थोड़ा इन्हें सिंप्लीफाई करना होगा हमें। तो एक सॉल्यूशन में हम करते हैं 11 एक्स माइनस 5 प्लस 10 वाई माइनस 2 प्लस 54, इसको सोल्व कर लेंगे तो 11 एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, 11 एक्स माइनस 55 ये हो जाएगा, 11 एक्स माइनस 55 प्लस 10 वाई माइनस 20 प्लस 54 इक्वल्स टू 0। 11x प्लस 10y ये हो जाएगा, और यहाँ पर 55 और 55 प्लस ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कितना जाएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 को यहाँ पर माइनस 20 से करेंगे तो माइनस 21 आ जाएगा, जिसको हम इक्वल टू में लेके आएंगे तो ये इधर 21 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं ऑल्सो, 7 टू एक्स माइनस 1 प्लस 9 3 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 25 ये गिवन किया है इसने हमें। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सोल्व कर लेंगे, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 एक्स माइनस 7 प्लस 9 3 ज़ा 27 वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 25, 14 एक्स प्लस 27 वाई माइनस 7 और माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू 25, 14 एक्स प्लस 27 वाई 16 इधर आकर प्लस का 16 हो जाएगा, तो 16 और 25 प्लस करेंगे कितना आएगा ये, तो 14 एक्स प्लस 27 वाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 41, ये 41 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को देखो किसको सेम बनाएं, या तो आप इसको सेम बनाओ या फिर इसको वाई को। तो यहाँ पर एक्स को सेम बनाना इजी है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स के 11 है, 11 का फैक्टर 11 इसमें नहीं आएगा, इसका फैक्टर इसमें नहीं आएगा, तो 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 14 को इस फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो इसको करते हैं हम, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 14,
एंड सेकंड बाय 11 करेंगे, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा एक्स, प्लस फिर 11 से हम 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 140 वाई आएगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को तो कितना आएगा, 21 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 4 4 2 8, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 और 2 तो आएगा 4 9, ये 2 9 4, तो ये 2 9 4 हो जाएगा, ये 2 9 4 हो गया। अब इस वाली इक्वेशन में हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 154 हो जाएगा एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा, 297 हो जाएगा, 297। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई 11 से, ये 2 और 7 को ऐड करो, उसको इसके मिडिल में रख दो, फिर यहाँ पर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 5 को प्लस करो और इसके मिडिल में रख दो, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 और 1, ये आ जाएगा 151, ये आ जाएगा आपका 157 आ जाएगा, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का आएगा, और यहाँ पर 451 में से 294 माइनस करेंगे तो 11 में से 7, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर 14 में से 9 5, और यहाँ पर 3 में से 1, ये तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1, तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो y की वैल्यू 1। अब फाइंड कर लेंगे हम क्या, x की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, जो है हमारे पास क्या, 11x प्लस 10y इक्वल्स टू 21। वाई की वैल्यू अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 रहेगा, और ये 10 इधर आकर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये 11 और ये भी 11, तो x की वैल्यू 11/11 मीन्स 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये इस टाइप से इक्वेशंस दिए हैं, 7 + x / 5 -2x - y / 4 इक्वल्स टू 3y - 5। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, 20 एलसीएम हो जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 7 + x, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ रहा है। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, तो इधर ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 3y - 5। अब यहाँ 4 7 + 28 और यहाँ पर 4x - 4 2 10x और माइनस माइनस प्लस 5y / 20 करेंगे और 20 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे। यहाँ पर करोगे 4x 10x, ये है हमारा 4x और 10x, कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, +28, और ये कितना हो जाएगा, 23 कितने होते हैं, 60y हो जाएगा, ये 60y हो गया हमारा, और यहाँ पर -100, ये हो गया हमारा। अब 60y को इधर लेके आएंगे तो -6x और ये +5y और -60y और ये 100 - 28, तो यहाँ पर कितना जाएगा, -6x - 55y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 6x + 5y इक्वल्स टू 128, माइनस साइन कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वेशन नंबर ये मिलेगी हमें फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, ऑल्सो 5y - 7 / 2 +
फोर एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय सिक्स इक्वल्स टू 18 माइनस फाइव एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, ये इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमारे पास सिक्स। तो यहाँ पर टू थ्री जा थ्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो एलसीएम आता है उसको हम देखते हैं कि वैल्यू कितने टाइम्स में डिवाइड कर रही है। टू सिक्स को थ्री टाइम्स में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई, सिक्स सिक्स को वन टाइम्स में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ वन की मल्टीप्लाई, और वन की मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा और इक्वल्स टू 18 माइनस फाइव एक्स। इसको करेंगे तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन वाई माइनस थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन माइनस फोर एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, और इक्वल्स टू सिक्स इंटू 18 माइनस फाइव एक्स। अब भी करेंगे तो 15y माइनस फोर एक्स, माइनस का 21 और प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 18 और ये 16। 18 सिक्स जा कितने होते हैं, 18 सिक्स जा 108 होते हैं, 6 एट जा 48, 4 और ये 6 108 और ये 6 फाइव जा 30x। ये 30x इधर आएगा तो प्लस का 30x हो जाएगा, और तो प्लस का 30x माइनस का 4x प्लस का 15y और ये माइनस 18 इधर आकर प्लस का 18 हो जाएगा। ये 34 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 26x आएगा प्लस का 15y और इक्वल्स टू 8861 और ये हो जाएगा 126। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई हमारे पास, लेकिन दोनों में से सेम किसको करना इजी है, देखो ये y वाली वैल्यू को सेम करना इजी है। वैसे तो आप इसको भी देख सकते हो सेम करने के लिए, लेकिन इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इसमें इसका फैक्टर आ रहा है 13 टू ज़ा 26, 13 टू ज़ा 26, इसमें टू को मना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें वाई को, तो वाई में क्या है, वाई का एलसीएम वही आएगा जो भी हमने कुछ देर पहले किया था, ये 55 है और 15 है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इसका इसके फैक्टर आ रहे हैं 11 इंटू 5 और इसके फैक्टर आ रहे हैं 5 इंटू 3, तो 5 कॉमन आ रहा है तो 11 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे तो 165 एलसीएम आ जाएगा। 165 एलसीएम आ जाएगा तो दोनों का 165 एलसीएम लेंगे तो 165 को 55 कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट बाय थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड 15, 165 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है 11 टाइम्स में, तो बाय 11 सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर, अगर हम इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री सिक्स जा 18 वाई आएगा और प्लस में 165 थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 165y आएगा 18x आएगा ये 18x तो 18x और यहाँ पर 165y इक्वल्स टू यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 को कितना आएगा 3, तो यहाँ 38 जा 24 2 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 1 जा 3, तो ये आएगा हमारे पास, ये हो गई। तो ये एक तो ये इक्वेशन ये मिलेगी हमें, और एक इक्वेशन क्या मिलेगी अगर हम यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करें किससे 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं उसको बीच में रख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 286x प्लस यहाँ पर 165y और यहाँ पर करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर रख दो और इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर रख दो और ये लास्ट में ये वाली वैल्यू रख लो 106, या फिर आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे 126 इंटू 126 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 1386। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, 16 में से 8 8, 7 में से 1 6 और ये 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 268 इक्वल्स टू में यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 384 को तो कितना आ जाएगा 1002 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा
अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को देखेंगे कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू। सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कैसे देखो यहाँ पर हमारा प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस ले लिया, सॉरी, तो यहाँ पर ही हम प्लस लेंगे, यहाँ पर हम ये प्लस लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम अगेन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को हम यहाँ पर इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको हम आगे करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 वाला, 18, तो 18 में हमने यहाँ पर कर लिया है, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई है यहाँ पर, क्या 6x प्लस 55y इक्वल्स टू 128, ये बिल्कुल करेक्ट है, 6x प्लस 55y इक्वल्स टू 128, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारी मिस्टेक हो गई थी, कैसे इसको क्या करना है आपको, ये अगर आपको दिया है 5y माइनस 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 4x माइनस 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 18 माइनस 5x, इसको करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम 6 आता है, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5y माइनस 7 प्लस यहाँ पर 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 18 माइनस 5x, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 3 5 15 y माइनस 3 7 21 प्लस का 4x और माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 6 इधर आकर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 15y और ये माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 16 8 जा 108 और माइनस 6 5 जा 30x, 30 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 34x प्लस 15y और ये 108 प्लस 24, तो ये 34x प्लस 15y इक्वल्स टू 132 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। अब यहाँ पर हम करेंगे अब इस इक्वेशन नंबर, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इन दोनों का देखो 15 और किसको को देखते हैं, 15 और 55 को देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम 160 आ रहा है, 165, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को 3 से, एंड सेकंड को किससे करना है, एंड सेकंड को करना है बाय किससे, 11 से, तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया था हमने, तो यहाँ पर अगर हम किससे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो ये आ रहा है 18x प्लस यहाँ पर आ रहा है कितना 165y, पर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 8 जा 24 2 3 2 जा 6 और 2 8 और ये आ रहा है, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 11 से, तो आ रहा है 3 7 4x प्लस 165y प्लस 1452 ये आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं हम क्या, इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 6 और यहाँ पर 5 और ये 3, तो ये आ रहा है माइनस का 356x और इक्वल्स टू में इनको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 और यहाँ पर 6 और ये 0 और 1 ये आ रहा है, और x की वैल्यू ये माइनस में आ रहा है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल और x की वैल्यू हो जाएगी 1068 और डिवाइड बाय 356, करेंगे कैंसिल तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 3 टाइम्स में इसको कैंसिल कर रहा है, तो x की वैल्यू हमारी 3 मिल गई है, x की वैल्यू 3 मिल गई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से आप क्या फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो इक्वेशन नंबर हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर सेकंड, इक्वेशन नंबर अगर हम सेकंड लेते हैं तो कितना आएगा 34, x की वैल्यू 3 है प्लस 15y इक्वल्स टू 132, ये 15y और ये 132 माइनस कितना हो जाएगा 34, 3 जा 3 4 जा 12 2 1 कैरी 3 और 3 जा 9 और 1 10 ये 102, तो 15y में से करेंगे तो 30 आएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको पहले वाले की तरह ही क्वेश्चन दिया, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया था हमारा, देखो 13 वाले की तरह है क्वेश्चन नंबर
19 आपका क्वेश्चन नंबर 19, 13 वाले के सेकंड पार्ट की तरह, ठीक है। जैसे 18 वाला 13 वाले के फर्स्ट पार्ट की तरह है, ऐसे ही सेम 19 वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट की जैसा है। 4x प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 17, ये गिवन किया है। अब आप इसको एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 4 32x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 17 हो जाएगा। ये 33x माइनस वाई इक्वल्स टू 17 8 जा कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये तो 17 8 जा कितना हो जाएगा, ये तो 17 8 जा हो जाएगा हमारे पास 136। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। ये तो बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट की तरह है, बिल्कुल सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसने ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है, ओके। और यहाँ पर क्वेश्चन 2y प्लस एक्स, और ये 2 है हमारा, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर। ये तो आपको बिल्कुल सेम किसकी तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट की तरह करना है, इसको तो आप कर सकते हो। तो बिल्कुल देखो ऐसे ही कर रहे हैं हम, ये गिवन किया है आपको ऑल्सो 5y प्लस 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 2। तो इसने तो और इजी मैथ करके दे दिया है इसने हमें, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 2। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 6y प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 2 इक्वल्स टू 3 2 6, ये 3x हो जाएगा और ये 1x हो जाएगा, 1y हो जाएगा, और ये माइनस 2 इधर आकर प्लस 2, ये हो जाएगा 8। इक्वेशन में दोनों में y की वैल्यू सेम है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास अपोजिट साइन है। 33x माइनस y इक्वल्स टू 136 हो जाएगा, और 33x प्लस y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो गए, ये 33 और 3 ये 3 है, ये 3 है ना सेकंड वाली क्वेश्चन में, तो ये 36 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम ही वैसे ही क्वेश्चन है। ये 144 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 13 के सेकंड पार्ट की तरह। तो फ्रॉम इक्वेशन आप फर्स्ट या सेकंड में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने सेकंड यूज़ की थी, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है, क्योंकि इसके कॉन्स्टेंट स्मॉल्स दिए हैं आपको, तो छोटे कॉन्स्टेंट दिए हैं, तो हम ये वाला इक्वेशन नंबर यूज़ किए हमने यहाँ पर सेकंड। तो ये 12 प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 12 कितनी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 19। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6b कंप्लीट हो जाती है। तो ये 6b कंप्लीट हो गई है हमारी, तो इसके बाद हम आपके लिए नए एक्सरसाइज लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।